नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। मानसून केरल की दहलीज पर पहुंच चुका है। भोपाल में 15 जून के बाद दस्तक दे सकता है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि इस बार दोनों ब्रांच बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जरिए मानसून दो तरफ से प्रदेश में एंट्री ले सकता है। वहीं 20 जून तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर सकता है। जोरदार आगाज करने वाला प्री मानसून जबलपुर, सागर, रीवा, ग्वालियर, चंबल में अटक गया है। वहीं इंदौर, उज्जैन को अब भी प्री मानसून की बौछारों का इंतजार है। अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के कुछ ही हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जून तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हल्की गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर में उमस रहेगी। वहीं नर्मदापुरम, उज्जैन समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान में हल्की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने चुनाव की घोषणा करते हुए कहा कि बारिश के कारण पहले पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसके बाद पंचायत क्षेत्र के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं हालांकि अगर बात करें तो नगरीय निकाय में इसका प्रभाव नहीं होगा। पंचायत चुनाव 3 चरण में होंगे। पहले चरण में 25 जून को, दूसरे चरण 1 जुलाई और तीसरा चरण में 8 जुलाई को मतदान होगा। वहीं वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। बता दें कि पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे, मतपत्रों के जरिए चुनाव किए जाएंगे। साथ ही पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण तथा चुनाव परिणाम 14 जुलाई को होगा। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का ब्लॉक स्तरीय सारणीकरण 14 जुलाई को होगा, तो वहीं जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर समीकरण तथा चुनाव रिजल्ट 15 जुलाई को घोषित किया जाएगा। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू भी कर दी गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 2 बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले से सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा। केसली कृषि उपज मंडी में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में एक जोड़े का फॉर्म निरस्त करने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में एक जोड़े ने जनपद कार्यालय केसली में आवेदन दिया था। दोनों आवेदन स्वीकार भी हुए, लेकिन अचानक आयोजन स्थल पर लड़की का फॉर्म निरस्त हो गया, जिसका कारण अंक सूची में फीमेल की जगह मेल लिखना बताया गया। इसके कारण जोड़े का फॉर्म निरस्त कर दिया। पूरी घटना की जानकारी भाजपा नेता और पूर्व जनपद अध्यक्ष राजकुमार बरकोटी को मिली, तो उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से पूरे मामले को लेकर बात की और सामूहिक विवाह में शादी संपन्न कराने की बात रखी, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों का विवाह संपन्न कराया। सतना में आज सुबह 4:30 बजे चित्रकूट के गुप्त गादावरी मोड़ पर भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 2 ट्रक आपस में भिड़ गए, जिनकी चपेट में एक कार आ गई। वहीं कार में बैठा 10 वर्ष का बालक और ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोट आई है। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद सुबह से सतना चित्रकूट मार्ग का आवागमन अवरुद्ध है। छत्तीसगढ़ में तेज आंधी, तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि द्रोणिका उत्तर पश्चिम राजस्थान से दक्षिण बिहार तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक बनी हुई है, जिससे प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। रायपुर में पुलिसकर्मियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी। बता दें कि कारोबारी प्रवीण सोमानी अपहरण कांड की विवेचना से जुड़े पुलिसकर्मियों के वेतन में वृद्धि होगी। इसमें 6 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी, 5 निरीक्षक, 2 उपनिरीक्षक, 3 सहायक उपनिरीक्षक, 12 प्रधान आरक्षक और 37 आरक्षक शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कारोबारी का अपहरण कांड जल्द सुलझाने पर यह घोषणा की गई है। जिले में नवजात शिशु से लेकर 18 साल आयु वर्ग के सभी बच्चों की संपूर्ण जांच निशुल्क की जाएगी। इतना ही नहीं,
अगर बच्चों में किसी बीमारी की पहचान होती है तो उसका इलाज मुफ्त किया जाएगा। इसके लिए जिला अस्पताल में कैंप भी लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में हर साल करीब 1100 से अधिक बच्चे जन्म के साथ या जन्म के कुछ दिनों के अंदर दम तोड़ देते हैं। साथ ही प्रदेश में 43% डिलीवरी अभी भी घरों में हो रही है, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रकाश गुप्ता ने बताया कि बाल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बच्चों का इलाज किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के व्यापारी से कॉपर मेटल सप्लाई करने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मामले को लेकर वर्ष 2021 में इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई। शिकायत में प्रार्थी मोहिंदर पाल खुराना ने बताया था कि हैदराबाद के चक्रम ट्रेडर्स द्वारा अपने साइट पर मेटल एवं कॉपर का व्यापार करने के संबंध में विज्ञापन डाला गया था और इसी के जरिए आरोपी से प्रार्थी की बातचीत हुई। इस दौरान 800 किलोग्राम तांबे के लिए 80 लाख रुपए की डील तय हुई और प्रार्थी ने 50 लाख रुपए एडवांस भी दिए। बावजूद इसके ना तो मटेरियल की सप्लाई की गई और ना ही पैसे वापस किए गए। सिविल लाइन CSP वीरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि मामले में शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी बाल कुंडी शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया है। प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जो हैदराबाद की, उसको उन्होंने 50 लाख रुपए का कॉपर का ऑर्डर दिया था। और उमरिया जिले में जुए का बड़ा फड़ पकड़ाया। पुलिस ने जुआ खेलते 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व स्थित निजी रिसोर्ट का है, जहां जबलपुर, कटनी, शहडोल और उमरिया के आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों के साथ 5 लाख रुपए नकदी, 12 मोबाइल सहित 50 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए लोगों में कई बड़े व्यवसायी, सफेदपोश नेता समेत रहीश घरों के लड़के शामिल थे। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा के निर्देशन में की गई। बता दें ये रिसॉर्ट नरसिंहपुर के व्यवसायी ने लीज पर लिया था। बिंदुखत्ता स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक ने कक्षा 2 के छात्र को बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है, जिस पर गुस्साए छात्र के परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा किया। इस घटना की सूचना शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मिली। उप शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। इस सब घटनाक्रम के बाद अध्यापक ने अपनी गलती स्वीकार की। उसने लिखित माफीनामा भी दिया, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। वहीं उप शिक्षा अधिकारी अंशुल बिष्ट ने प्रधानाचार्य को सख्त हिदायत देते हुए भविष्य में इस तरह की गलती ना करने की हिदायत दी। पश्चिमी राजीवनगर में आया था, यहाँ से सुबह कंप्लेनें आई थी कुछ अभिभावकों की कि कल टीचर द्वारा कुछ बच्चों को डांटा गया है, जिससे बच्चे स्कूल में आने में थोड़ा सा डर फील कर रहे थे। तो जब मैं स्कूल में पहुंचा तो अभिभावक वहां पे आए हुए थे और टीचर्स के साथ जो संवाद का दूरी थी वो संवाद किया गया और उसके बाद में उनकी सहमति बन गई है। टीचर को भी सचेत किया गया है कि बच्चों के साथ जो बातचीत का स्तर है वो बच्चों के बाल महत्वपूर्ण रखा जाए, तो उसको चेतावनी दे दी गई है टीचर्स। अभी ऐसी कोई कंप्लेन उनके द्वारा नहीं की गई है, उनके बीच में आपस में बातचीत हो गई थी तो मैटर हमारे जान से पहले ही वो सॉर्ट आउट हो गया। अभी चेतावनी दी गई है और जो भी रिपोर्ट हम मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे आज इसके संदर्भ में, तो वहाँ से जो भी विभागीय निर्देश होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की। खबर चमोली जिले से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने नामांकन करवाया। उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पूर्व राज्य मंत्री पुष्पा पासवान ने अपना नामांकन दाखिल करवाया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से नरेंद्र भारती ने अपना नामांकन दाखिल करवाया। बता दें कि पूर्व पालिका अध्यक्ष रेल लाल का 30 मार्च को मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से पालिका अध्यक्ष की सीट खाली चल रही थी। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल करवाया। 12 जून को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं, जिसके लिए दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। मैं सबसे पहले अपने पार्टी का और अपने संगठन का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरी पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया कि गोपेश्वर नगर पालिका जो उपचुनाव वर्तमान में हो रहे हैं, उस चुनाव की चुनौती मेरे ऊपर बहुत सारी हैं, क्योंकि बरसात का आने वाला बरसात का मौसम भी है, क्योंकि यहाँ पर गोपेश्वर में सबसे ज़्यादा भूस्खलन की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। मैं बहुत कम समय बचा हुआ है, मैं पूरा प्रयास करूँगी गोपेश्वर नगर को बचाने के लिए, जो भी प्रयास होंगे मैं पूरा करूँगी।
देखिए, जो नगर पालिका के उपचुनाव गोपेश्वर में हो रहे हैं, स्वर्गीय सुरेंद्र लाल जी के भाई नरेंद्र लाल जो कि प्रधानाचार्य के पद पर विराजमान रहे हैं, एक शिक्षित व्यक्ति है जिनका सामाजिक लोगों का बहुत बड़ा दायरा है और उनको आज कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, निस्संदेह रूप से बहुत मजबूत है। मुझे जो है यहाँ पे नगर कांग्रेस में जो है या कांग्रेस कमेटी ने जो है मुझे यहाँ पर नगर अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष के लिए जो है नामित किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उत्तराखंड के चार धाम यात्रा पर इस बार अनुमान से अधिक श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद सुविधाओं में लगा हुआ है। विकास निगम के प्रबंधक ने बताया कि चार धाम यात्रा के लिए जून तक सभी रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं और हमारे विभाग के द्वारा आम जनमानस के लिए टूर पैकेज भी बुक किए जा रहे हैं जो सितंबर तक चलेंगे। वहीं इसके द्वारा आने वाले यात्री पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इस संबंध में पर्यटन विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि पर्यटन विभाग के वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, क्योंकि किसी भी अनहोनी के समय में ये इस चीज़ की सारी जानकारी होनी आवश्यक है सरकार के पास। अगर आप सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, कभी भी आपकी जेब पर बड़ा डाका पड़ सकता है। ऐसा ही एक धोखाधड़ी कर्णप्रयाग देवली बगड़ के युवक के साथ हुआ, जहां इस युवक के साथ लोन के नाम पर 9 लाख रुपए की लूट हुई। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ राकेश गुसाई ने बताया कि भरत सिंह निवासी उमराकोट देवली बगड़ ने किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त अपने साथियों के साथ एक धनी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से एक वर्चुअल फर्म बना रखी है, जिसका विज्ञापन वे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं। उस विज्ञापन में वे अपना नंबर डालकर रखते हैं ताकि जिन लोगों को लोन की आवश्यकता हो वे उनसे संपर्क कर सकें। उसके बाद हम उक्त व्यक्ति को लोन के नाम पर प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्जेस के नाम पर धोखाधड़ी कर लेते हैं। पुलिस ने अभियुक्त के पास से 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल और 20,000 रुपये बरामद किए हैं। इसमें एक वादी हमारा भरत सिंह, उसके द्वारा 24 तारीख को एक तहरीर दी गई थी जिसमें उसके साथ 9 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड होना बताया गया था। उसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके टीम का गठन करके उसमें अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए ट्रेस आउट किया गया था। उसमें एक अभियुक्त हमारा गाजियाबाद श्रवण सिंह पुत्र श्री हरीशचंद लाल हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल फ़ोन, 20,000 रुपये नगद आदि बरामद हुआ है। सर, इनका फेसबुक पे ऐड आया और धानी इंडिया बुल्स के नाम से, तो मैंने इनसे सर्च मारा तो इन्होंने मुझे कॉल किया तो 750 रुपये इन्होंने प्रोसेसिंग फ़ीस बताई 16 मार्च को। उसके बाद इन्होंने 28 मार्च से मेरे से पैसा डालना शुरू किया। तो अगर मैंने इसको बीच में कहा कि मैं अगर लोन नहीं करूँगा तो इन्होंने कहा तो बीच में अगर लोन पूरा नहीं करेगा तो ये पैसा तेरे वापस नहीं हो पाएंगे, इसलिए तुझे इसको पूरा करना पड़ेगा। तो मैं इनको करते करते मैंने 9 लाख के करीब इनको पैसे डाल दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।